जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए के बाद टॉप 10 कोर्सेज की। जी हां साथियों, आज के समय में बीए के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसको करने के बाद जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज हो, तो आज मैं आपको 10 ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आपका कैरियर जल्द से जल्द सेट होगा, अच्छी खासी आपकी जॉब होगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बीए के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। साथियों, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, अच्छी खासी पोस्ट चाहिए, तो आप बीए के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आप अपना अलग अलग ब्रांच में कर सकते हैं, जैसे आप एमबीए एचआर में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, आईबी में कर सकते हैं, तो बीए के बाद आप अपना एमबीए कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। एमबीए आप यदि बीए के बाद जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ भी आप एमबीए कर सकते हैं, डिस्टेंस से या आप ओपन से, तो यानी कि आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। यदि आपके पास समय है तो आप एमबीए अपना रेगुलर कीजिए। तो बीए के बाद सबसे पहला और सबसे बेस्ट कोर्स है, आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। बात करें साथियों दूसरे कोर्स की, जो कि आज की डेट में काफी पॉपुलर है। यदि आपको जाना है लॉ की तरफ, यानी कि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, आपको जज बनना है, आपको गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, आपको अपना चैंबर खोलना है, या आपको कंपनी का लीगल एडवाइजर बनना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, और आपका आर्मी में भी इसके लिए जॉब आती है, तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं, लॉ की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आप एलएलबी कर सकते हैं। आज की डेट में एलएलबी का भी काफी अच्छा स्कोप है। बात करेंगे साथियों तीसरे कोर्स की, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों तीसरे कोर्स की, यदि आपको टीचर बनना है, आपको टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीए के बाद में आप बीएड कर सकते हैं, इसका भी काफी अच्छा स्कोप है। बीएड करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। इसके साथ साथ आप प्राइवेट के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, अदर बोर्ड के हो, तो उसमें भी अब कंपलसरी कर दिया है कि यदि आपको टीचर बनना है, आपको उनमें पढ़ाना है, तो आप बीएड होने चाहिए, तो आप बीएड कर सकते हैं। इस कोर्स का भी काफी अच्छा स्कोप है। बात करते हैं साथियों फोर्थ कैरियर ऑप्शंस की, तो फोर्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप किसकी तरफ जा सकते हैं, जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। जर्नलिज्म में भी आज की डेट में काफी अच्छा स्कोप है, इसकी भी जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बात करें साथियों नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस की, तो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है साथियों जिसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो कंप्यूटर हो रहा है, तो यदि आपको अपना कंप्यूटर की फील्ड में कैरियर बनाना है तो आप बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं। जी हां साथियों, बीए के बाद एमसीए किया जा सकता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आपको यदि कंप्यूटर की फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आप एमसीए कर सकते हैं, इसमें भी आज की डेट में काफी अच्छा स्कोप है और इसका स्कोप कभी भी कम होने वाला नहीं है। बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट कोर्स है साथियों आप अपना यदि आपको खेलना अच्छा लगता है, आप गेम में अच्छे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। जी हां साथियों, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है। बात करें साथियों एट कैरियर ऑप्शन की, तो साथियों एट कैरियर ऑप्शन है कि आप बीए के बाद अपना एमए कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। जैसे आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। और एमए करने के बाद में आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है तो भी आप एमए के डायरेक्ट बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं एमए के डायरेक्ट बाद। इसके साथ साथ जब आपका एमए कंप्लीट हो जाता है तो आप पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है और एक अच्छे लेवल पे जाना है तो आप अपना एमए कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। बात करें साथियों नाइन्थ कैरियर ऑप्शन की, तो नाइन्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आज की डेट में सभी के क्या कर दिए गए, डिप्लोमा कोर्सेज बना दिए गए हैं। यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज करके कैरियर बना सकते हैं। फिर चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपना डिप्लोमा कोर्स करके कैरियर
बना सकते हैं। बात करें साथियों टेंथ करियर ऑप्शन की, तो टेंथ करियर ऑप्शन है साथियों आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज पीजी में कर सकते हैं, जैसे आपका पीजीडीएम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आप डिप्लोमा कर सकते हैं, सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, तो अलग अलग फील्ड में आपके डिप्लोमा कोर्सेज है वो भी आप कर सकते हैं पीजी में और अपना करियर बना सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है या आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।